ओम वंदे व मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं योग मुद्रा के विषय में। मित्रों, आप कहेंगे इतनी सारी मुद्राएं आपने बताई, सारी योग मुद्राएं तो हैं। जी हाँ, योग मुद्रा तो सभी हैं, लेकिन इसका नाम ही सिर्फ योग मुद्रा है। इसको योग मुद्रा के नाम से ही जाना जाता है, तो हम इसका नाम आपको बता रहे हैं। और ये योग मुद्रा जो है, ये आपके पेट के रोगों और आपके जो प्रजनन अंग के रोग होते हैं, यानी कि जो धातु रोग आदि होते हैं, जो आपके तंत्र में काम होते हैं, उनके सबके लिए उपयोगी है। तो इस मुद्रा को आप कैसे करना है आप देखिए और अभ्यास भी कर सकते हैं। मित्रों, इसको पद्मासन में करें तो विशेष लाभ मिलता है, या आप सुखासन में भी कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। पर जितना आप अभ्यास को कठिन बनाएंगे, उतने उसके लाभ अधिक होते हैं। इसलिए हम आपको इस अभ्यास को ऐसे बता रहे हैं। चलिए, मैं पैर खोल नहीं रही हूँ। इसके दो तरीके हैं। पहले हम सांस छोड़ के बताएंगे, उसके बाद हम आपको सांस भर के भी बताएंगे, क्योंकि दोनों स्थिति में मुद्रा की जाती है। आरंभ में आप सांस छोड़कर करें, इसकी सही स्थिति सांस भर के आगे झुकने की है। चलिए, हम आपको इसको बता दें पूरा कैसे करना है। सबसे पहले आप बैठ जाइए, पेट सीधी, मेरुदंड सीधा। उसके बाद मूलबंध लगाना है। मूलबंध अर्थात जब मलमूत्र का जो दाब आती है, मलमूत्र यानी कि लैट्रिन और पेशाब का जो प्रेशर आता है, उसको रोकना होता है। तो हम कैसे पूरा एनस और जो हमारा मूत्रमार्ग होता है उसको अंदर खींच लेते हैं, वैसे यदि आप वो क्रिया करते हैं तो उसको मूलबंध कहा जाता है। और मूलबंध आप जब लगाते हैं, ये आपके प्रजनन अंगों को बहुत अच्छा व्यायाम देता है, इसलिए उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो मूलबंध आपने लगाया और उसके बाद आप सांस भरेंगे, सांस भर के छोड़ेंगे और आप जलंधर बंद लगाएंगे, यानी कि ठुड्डी आपकी यहाँ लग जाएगी। और उसके बाद आपको आगे झुकना। आगे झुकने की दो से तीन स्थितियां हैं, एक बार मैं दो बताऊंगी, एक बार मैं फिर और दो बता दूंगी। चलिए, करना कैसे है। मूलबंध, सांस भरी, छोड़ दी, जब लगे कि सांस लेना है तो उठ जाइए और उठने के बाद सांस भरिए। जहां आप इसको यहाँ लगा देते हैं, उसके बाद आपकी सांस रुक जाती है, क्योंकि यहाँ लगने के बाद गला रुक जाता है, सांस नहीं चलती है। अब इसी मुद्रा को हम दूसरे अभ्यास में करेंगे, मुंडोपासन के साथ करेंगे। कैसे, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा, जो अभी अभ्यास करने जा रहे हैं डायबिटीज के लिए बहुत काम करता है। मूलबंध पहले लगा हुआ है, जलंधर बंध, मंडूकासन। इस आसन में एक अंतर है, इस मुद्रा में एक अंतर है कि मंडूकासन में गर्दन ऊपर होती है, जबकि इसमें गर्दन नीचे ही है। और इसका हम दूसरे, जो तीसरा अभ्यास है उसको हम दूसरी मुद्रा दूसरे अभ्यास में देख लेते हैं। अब आपने भी सांस खाली करके की थी, अब हम इसको सांस भर के करेंगे और अंतर आपको पता चलेगा। अभी तक मैं पूरा जमीन तक गई हूँ, अब कितना वो सर ऊपर है जाता है अब आपको देखेंगे। चलिए, मूलबंध, सांस भरी, लगा दिया, उठते-उठते सांस छोड़ी। जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। अब फिर नॉर्मल सांस चल रही है। उसके बाद इसका ही दूसरा अभ्यास हम देख लेते हैं। सांस भरनी है और सांस मूलबंध, उसको मूलबंध पहले लगा लिया है, सांस भर के जलंधर बंध लगाना और फिर आगे झुकना। कैसे, देखिए, इस प्रकार इस अभ्यास को किया जाता है, इस मुद्रा को किया जाता है। ये मुद्रा आपके पेट के रोगों के लिए और आपके प्रजनन अंगों के रोगों के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे तंत्र किस तरह इसमें हिल जाते हैं। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का व्यायाम कैसा हो रहा है। एक अभ्यास को आप, इस अभ्यास को आप 1 से 10 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, तो आपके झुकने का जो समय है वो बढ़ता जाएगा। फिर आप नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप 10 मिनट करें तो उस हिसाब से भी समय पकड़ सकते हैं। बीच में आप टाइम पास ना करें, टाइम पास करने में समय ज्यादा लग जाता है, पर आप जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपकी रुकने की गति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका समय भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि शुरुआत में आपको सकता है 5-10 सेकंड रुक पाए, फिर जैसे जैसे अभ्यास करेंगे 15-20 सेकंड, आधा
मिनट, फिर एक मिनट भी आप रुक पाएंगे समस्या नहीं आएगी, पर ध्यान रहे बहुत सांस हो जाए इतनी देर आपको नीचे नहीं रुकना है, इतनी देर आपको सांस नहीं रोकना है, आप नॉर्मल रह पाए इस तरह से ही आप सांस रोके। लेकिन हाँ, थोड़ा बल का प्रयोग अवश्य करें, अतिक्रमण नहीं करना है, पर थोड़ा सामर्थ्य बढ़ाना है तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ानी है। जैसे मेरा रोज का भागने का सामर्थ्य 1 किलोमीटर का है, पर मुझे अपना सामर्थ्य बढ़ाना है तो आज 1 किलोमीटर भागूंगी, कल 1 किलोमीटर के ऊपर 200 मीटर और भागूंगी, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और मैं फिर भाग पाऊंगी। तो इस तरह से इसका अभ्यास बढ़ाया जा सकता है और आप अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा हमारी और भी मुद्राएं हमने दी, हमारी ललिष्ठ मुद्रा उसमें हमने वीडियोस दिए हैं, और उसके अलावा वीडियो विवरण में जो वीडियो है स्वास्थ्य नियम के वीडियो के साथ, यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप देखिए कि आपके शरीर से किस तरह से आपके धातु रोग, आपके पेट के रोग ठीक होते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।